नमस्ते आप सब श्रोताओं को। आज आपका 194 दिन का ईश्वरीय वरदान और जो भी नए श्रोता हैं उनके लिए स्पेशली जो कि इस चैनल पे पहली बार आए हैं, ये लिंक पे जा सकते हैं आप। यहाँ पर वरदान के साथ साथ योगासन, साथ ही साथ आपका सोने की कला और खान पान की कला, डाइट के बारे में भी सब कुछ बताया जाता है। तो इसको जाकर देखें और आज का 194 दिन के ईश्वरीय वरदान में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं परम पिता परमात्मा आज हमें क्या सिखाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं आज के वरदान में, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक, औरों का कल्याण सोचना और औरों का शुभ चिंतक होना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी को बददुआई नहीं देना, भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार में चलेंगे, आप समझ ही गए होंगे कहना क्या चाहते हैं परमात्मा। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। मतलब पुरुषार्थ किस चीज़ का हो रहा है यहाँ पर, तीव्र पुरुषार्थी। औरों के बारे में सारी दुनिया तो एक दूसरे के बारे में ब्लेम करती है, औरों को नीचे गिराती है, नीचे गिराने में मज़ा आता है काफ़ी लोगों को। एक दूसरे के अंदर गलतियाँ, जैसे कि हमने कल बात करी, होली हंस हैं कि आप बगुले हैं, आप औरों की बुराइयाँ देखते हैं कि बुराइयाँ फैलाते हैं, जैसे कि हम नहीं चाहते कि हम अपनी बुराइयाँ किसी को पता चले या हमारे बारे में किसी को बुरा पता चले, वैसे हम औरों की बुराइयाँ ना फैलाएं। तो परमात्मा वही तरीके से कहते हैं, या तो हम औरों की बुराइयाँ फैलाते हैं, औरों की बुराइयाँ के बारे में वर्णन करते हैं, तो हम उनके शुभ चिंतक नहीं हुए। शुभ चिंतक वो हुआ जो कि औरों के अंदर गलतियां होते हुए भी, बुराइयां होते हुए भी उसके बारे में अच्छा सोचे। कोई आपके साथ भी बुरा करे तब भी आप उसके बारे में अच्छा सोचे। तो तीव्र पुरुषार्थी वह है। तो पुरुषार्थ किस चीज़ का और हम बात कर रहे थे, जो कि अपने मनोस्थिति, अपने आत्मा को पवित्र बनाते जाए। तो स्व आत्मा पवित्र बनने के लिए शुभ चिंतक बनना बहुत जरूरी है। तो तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति, मतलब वृत्ति मीन्स एटीट्यूड, और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपको बुरा भला कहे, आपके अंदर गलतियां निकाले, उसकी आदत है आपके अंदर गलतियां निकालने की, लेकिन आपकी आदत उसके अंदर गलतियां निकाल करके उसकी बददुआएं देना या उसके बारे में बुरा सोचना, बुरा भला कहना उसके बारे में, औरों को वर्णन करना, वो कैसा है, वो कैसी है, उसने ये करा आपके साथ, उसने वो बोला आपके लिए, ये सब कुछ तो हम बहुत बोलते हैं, बहुत नॉर्मल है। मैं तो शेयरिंग कर रहा हूँ या शेयरिंग कर रही हूँ, पर मैं तो कहते हैं वो शेयरिंग करना भी आपको बददुआएं दिलवाता है, आपकी मनस्थिति खराब करता है और आपके संबंध खराब करता है और आपको परमात्मा की याद से दूर कर देता है। तो परमात्मा कहते हैं मन को डगमग करे, आए मन को डगमग करे, बुरा भला कह दे, ऊंच नीच की बात कर दे, स्तुति कर दे आपकी, निंदा कर दे आपकी, अचानक से थोड़ा आपको ऊपर चढ़ाए उसके बाद गिरा दे आपको, आज आपका साथी बने कल आपका दुश्मन बन जाए, आज आपकी वाह वाह करे कर आपकी निंदा करते रहे, तो डगमग करे, विघ्न रूप बने, आपको आगे बढ़ने नहीं दें, हर चीज़ में कोई ना कोई विघ्न डाल दे आपको आगे बढ़ने की, आप कोशिश करते हैं तो आपको प्रॉब्लम करते हैं, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, वो डोलना नहीं चाहिए वो भावना, क्योंकि हम जानते हैं परमात्मा के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, कि वो आत्मा कई जन्मों के दुख के संस्कार लेके आई है। वो दुख के कारण उसके संस्कार बन चुके हैं कि औरों को दुख देना। तो जिस आत्मा ने बहुत दुख महसूस किया पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी, तो उसके संस्कार बन जाते हैं कि वो उसने इतना दुख महसूस किया तो उसको सुख की भावना या सुख का उसको आभास ही नहीं है। तो अभाव ना होने कारण, आभास ना होने के कारण वो आत्मा और को क्या देगी बेचारी। तो परमात्मा कहते हैं ये समझो, और ड्रामा में हर आत्मा कलयुग के अंत में आकर के थक चुकी है। थकना माना क्या, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर, दूसरा शरीर छोड़ तीसरा शरीर, और इतने संबंध, इतने माता पिता, इतने भाई बहन, इतने पत्नी हस्बैंड चेंज किए हैं कि आत्मा थक गई है रोल प्ले करते करते। इसलिए कलयुग का अंत कहते हैं इसको, और कलयुग के अंत के बाद वापस जाना जरूरी है। तो इस समय वो आत्मा के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, अटोल भाव होना चाहिए शुभ चिंतक का। बाप के कारण भाव ना बदले, बात के कारण, सॉरी, बात के कारण भाव ना बदले, कि उसने जो बात बोल दी, बात कह दी, बात फैला दी, उसके कारण आपका उनके प्रति भाव ना बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति मतलब एटीट्यूड और भाव यथार्थ हो, यथार्थ मतलब सत्य हो, जो परमात्मा का है वो ही सत्य भाव हो, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखिए बहुत बड़ा परमात्मा ने कहा है कि अगर आप की उनके प्रति शुभ भावना है, शुभ चिंतन है, तो वो जो भी कहें उससे आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो। आपने जो क्रिएट किया संकल्प अपने मन में वो आपको स्टेबल करता है, उन्होंने जो संकल्प क्रिएट किया आपके बारे में गलत सोचा वो उनको डिसस्टेबल करता है या उनको अनस्टेबल करता है या उनको वो हलचल में लेके आता है। सो उनकी जो
इनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है, वो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, आपके नहीं। लेकिन अगर आपने अच्छा सोच के रखा है, आपने उनके बारे में बुरा नहीं सोचा, तो आपका मन शांत रहेगा, आप अचल अडोल रहेंगे। वो अनस्टेबल हो जाएंगे लेकिन आप अनस्टेबल नहीं रहेंगे। तो परमात्मा यही चाहते हैं कि ये विधि हम अपनाएं, नहीं तो क्या होगा, लेन देन होता रहेगा, उसने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, फिर आपने कुछ कहा, और दोनों की स्थिति, आपकी तो होगी, आपकी डोलेमान होगी स्थिति, लेकिन उनकी भी डोलेमान स्थिति होगी, और उनका असर आपको पड़ेगा। आपने प्रॉब्लम को बड़ा बना दिया, उनको बड़ा बना दिया। परमात्मा को बड़ा बनाने की जगह इंसान को, मनुष्य की बातों को बड़ा बना देना। तो या तो ये बातें जो परमात्मा कहीं, इनको हम ध्यान दे ज़्यादा, उनकी बात को माने, उनकी श्रीमत पर चलें, हैं, नहीं तो फिर हम औरों की बात को माने, उनको दिल से लगाएं, या इस बात को दिल से लगाएं, वो हमारी चॉइस है। तो परमात्मा कहते हैं, फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी। आपको देखते हुए भी नहीं देखने का मन नहीं करेगा उनको, आप सुनते हुए भी नहीं सुनोगे, आपके अंदर शुभ भावना, शुभ चिंतन है उनके बारे में, तो आपको उनको असर नहीं पड़ेगा, और आप उस वाइब्रेशन से ऊपर उड़ जाओगे, तो वो देखने में नहीं आएंगी वो बातें, वो जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको उसका असर नहीं पड़ेगा, आप उस वाइब्रेशन लेवल में नहीं होगे। टाइम बच जाएगा, किस चीज़ का, ज़्यादा सोचने का, व्यर्थ बातें करने का टाइम बच जाएगा आपका, मूड ऑफ होने का टाइम बच जाएगा आपका, दिन भर बहुत ज़्यादा पर चिंतन करने का टाइम बच जाएगा आपका। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रसाद, आज पूरे दिन आप भी ध्यान रखिएगा कि किसी के बारे में ना बुरा सुनना है, ना बुरा सोचना है, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर रखना है। किसी ने बुरा किया आपके साथ में, बुरा बोला, उसको भी शुभ चिंतक, शुभ भावना देनी है। कोई आपको, आपको आके बताया कि उसने आपके बारे में ऐसे बोला, तो आप उनको भी परिवर्तन करो, जिसने आपको आके बताया है वो नेगेटिव बात, कि आप भी अच्छा सोचो उसके बारे में, शुभ भावना, शुभ चिंतन रखो। तो आपने वातावरण चेंज कर दिया, घर का हो, चाहे चाहे आपके फैमिली का हो, चाहे आप अपने बॉस हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप वो वातावरण आपके हाथ में चेंज करना। तो आज के ईश्वरीय वरदान, आप सुखी रहें, खुश रहें, शांत रहें और तंदुरुस्त रहें। ओम शांति।